इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे शेयर के बारे में जो आपके शेयर को 10 गुना करने जा रहा है। इस शेयर का फेस वैल्यू जो है 10 रुपीज से 1 रुपीज में स्प्लिट हो रहा है, जिससे आपके नंबर ऑफ शेयर्स जो है 10 टाइम्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले चार्ट की बात कर लेते हैं। तो चार्ट पे ये स्टॉक काफी बुलिश है, मात्र देख लीजिए 10 रुपीज का ये स्टॉक था, 10 रुपीज से ये स्टॉक 38 रुपीज का हो चुका है 1 ईयर्स में। तो यहाँ से लगभग 4 टाइम्स ये स्टॉक हो चुका है, तो लगभग 3 टाइम्स का रिटर्न मिल चुका है इन्वेस्टर को। लेकिन यह स्टॉक अभी भी काफ़ी मतलब चीप प्राइस पे उपलब्ध है, क्योंकि अपने ऑल टाइम हाई को अभी तक क्रॉस नहीं किया जो प्राइस पहले हुआ करता था। यहाँ पर देख सकते हैं 40 रुपीज, और फिर यहाँ पर ये अपना जो ऑल टाइम हाई बनाया वो तो काफ़ी ऊपर है। देखिए यहाँ पर ऑल टाइम हाई की बात करें तो ये स्टॉक 200 रुपीज से ऊपर का हाई बना चुका है। तो यहाँ से स्टॉक अगर उस इसको मान ले कि ऐसे कोई फेक भी हो सकता है, मतलब अचानक स्पाइक हो गया हो स्टॉक में, लेकिन 86 रुपीज देख सकते हैं, 86 रुपीज तक ये स्टॉक इजीली यहाँ पर उपलब्ध था अपने हाई पर। तो 86 रुपीज यहाँ से जाता है तो लगभग जो रिटर्न होगा इन्वेस्टर को वो लगभग 8-9 टाइम्स का होगा, जिन्होंने भी यहाँ पर बाय किया अपने लोअर लेवल पे, तो 8-9 टाइम्स का रिटर्न होगा उनका। तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक है, और साथ ही साथ यह अब तो ये पैनी स्टॉक हो जाएगा, क्योंकि 10 रुपया मतलब मात्र 3 रुपीज पे स्टॉक उपलब्ध होगा स्टॉक स्प्लिट होने के बाद। तो स्प्लिट होने के बाद ये मात्र 3 रुपीज का एक पैनी स्टॉक बन जाएगा। अगर बात करें इसके फंडामेंटल्स का, कंपनी का मार्केट कैप मात्र 320 करोड़ का है, ये फाइनेंस सेक्टर की कंपनी है, डिविडेंड तो पे नहीं करती है, रिटर्न ऑन इक्विटी 6.99% है, रिटर्न ऑन कैपिटल इंप्लाइड 9% का है, और वहीं डेट टू इक्विटी मात्र 0.19 का है। और कंपनी जो काम करती है बहुत सारे एक्सचेंज का मेंबरशिप ले रखी है, और स्टॉक ब्रोकिंग और रिलेटेड सर्विस, जो स्टॉक ब्रोकिंग है और रिलेटेड सर्विस है उससे रिलेटेड काम करती है। तो बिजनेस तो कंपनी का काफ़ी अच्छा है। और वहीं प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कभी कभी लॉस मेकिंग कंपनी बन जाती है, कभी प्रॉफिट में रहती है। तो ये थोड़ा सा जो कंपनी का प्रॉफिट है और सेल्स है इसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने मिला है, तो ये एक थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है। वहीं बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व लगातार इंक्रीज हुआ है। वहीं इन्वेस्टर सेक्शन में जाते हैं तो कंपनी में प्रमोटर स्टेक मात्र 28% के आसपास है, और 27.59 है, तो प्रमोटर स्टेक थोड़ा सा कम है। तो ओवरऑल एक माइक्रो कैप कंपनी है, तो इसमें रिस्क काफ़ी ज़्यादा है, तो कभी भी इसमें स्टॉक स्प्लिट या बोनस के लिए आप इन्वेस्ट ना करें। मतलब आपको बोनस और स्टॉक स्प्लिट के लिए इस शेयर में नहीं जाना चाहिए, बल्कि ग्रोथ के लिए जाना चाहिए। और प्रमोटर का स्टेक भी थोड़ा सा कम है, माइक्रो कैप कंपनी है, तो थोड़ा रिस्की कंपनी है। तो हमारा वीडियो बनाने का मकसद यही था कि आप इस स्टॉक में अभी इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि बहुत सारे लोग देखते हैं एक के बजाय 10 शेयर मिल रहे हैं तो वो बाय कर लेते हैं, लेकिन हकीकत ये है आपको 1 के 10 शेयर तो मिल जाएंगे लेकिन प्राइस कम हो जाएंगे। अभी 38 रुपीज़ का स्टॉक है तो वो 3.80 रुपीज़ का हो जाएगा, तो आपका जो इन्वेस्टमेंट वैल्यू है उसमें कोई भी ग्रोथ नहीं होगा, सिर्फ आपके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ स्टॉक स्प्लिट होने से लिक्विडिटी बढ़ेगा, तो हो सकता है शेयर प्राइस और नीचे आए। तो अभी आपको इस स्टॉक में ट्रैप नहीं होना चाहिए, इसमें नहीं इन्वेस्ट करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आया हो, वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव लगा हो, तो लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिएगा।